कला माज उनकी जय हो। तो मुझे लगा कि आज आप सौभाग्यशाली हैं, आपको कलम, आपकी कलम, आपकी वाणी आज उन बलिदानियों को, उन शहीदों की जय बोल पाई। इस पुस्तक के चयन आपने वीरांगनाओं को चुना है। हम जिस भूमि पर खड़े हैं, ये बुंदेलखंड की भूमि है और तमो की भूमि है। आज मुझे सहज स्मरण डॉक्टर कालेटकर साहब का भी आ रहा है। हमने गुरु जी को याद किया, छत्रपति शिवाजी को याद किया, हमें दुनिया याद कर लेती है, पर आपने लिखा है डॉक्टर कालेटकर का भवन है। ये शिशु मंदिर बनने से पहले डॉक्टर कालेटकर दवाखाना भी था और उनका आवास भी था। और डॉक्टर कालेटकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महान सहयोगी थे। ऐसे दर्जनों सेनानी थे जिनकी आर्थिक सहायता और अनेक तरह से सहायता डॉक्टर कालेटकर ने की थी। ऐसी पूर्ण आत्मा को, ऐसे महापुरुष को भी मैं इस भूमि से प्रणाम करता हूँ, इस मंच से प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो दमो की भूमि है, बुंदेलखंड की भूमि है, ये शौर्य की भूमि है। हमारी आजादी का आंदोलन है अंग्रेजों को हटाने का, ये प्रामाणिक आंदोलन 1857 से माना जाता है। उसके पहले 1842 में बुंदेला विद्रोह इसी से जमीन पर हो चुका था, जो आजादी का संग्राम का सूत्रपात वहां से माना जाता है। और 1857 तो आप सबको पता है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पर आ गई थी, भूले भारत में आई, फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी।